आज हम लोग पोखरा में हैं, जो कि नेपाल में स्थित है। हम लोग जो है पोखरा ज़िले के एक होटल न्यू हमरो होटल में टिके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है बहुत ही ऊंचाई पर होटल के एकदम फिफ्थ फ्लोर पे हैं, और यहाँ से साफ साफ आप लोग जो है प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा देख सकते हैं। आप प्रकृति का सुंदरतर दृश्य देख सकते हैं, किस तरह से बादल जो है उठ रहे हैं सब देख सकते हैं, बादलों को पर्वतों को किस तरह से आप देखिए, धीरे धीरे पर्वत जो है उठ रहे हैं। कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है। आप लोगों को ये सब चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बादल उठ रहा है, कितनी अद्भुत है। इसीलिए जो है पोखरा नेपाल में बहुत ही फेमस है, और ये बहुत ही बड़ा सिटी है। चूँकि आप लोग दूर दूर तक देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक, किस तरह से जो है हम लोग सिटी के बीचों बीच में हैं, और इस सिटी का विस्तार आप लोग देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है। आप लोग ये देख लीजिए, देख रहे हैं इधर यहाँ और इधर। अब हम लोग जो पश्चिम में देखते हैं, देख रहे हैं उधर जो है एक बहुत बड़ा सा जो है ग्राउंड है, और जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे जो है रनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इसको जूम कर रहे हैं, लेकिन जूम में आएगा नहीं, लेकिन आप लोग ग्राउंड साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिर कैसे बादल उठ रहे हैं, किस तरह से दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कितनी टूरिस्ट बसें जो है यहाँ पर आकर टिकी हुई हैं, और किस तरह से रोडवेज और हर चीज़ें चल रही हैं। रोड यहाँ पर देखिए आप लोग, से आप लोग देख सकते हैं कि एक हाईवे दिख रहा है जो कि रनवे की तरह लग रहा है। हो सकता है यहाँ से मिनी प्लेन जो है टेक ऑफ करता हो और लैंड करता हो। देख रहे हैं ये सिटी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने दूर तक, किस तरह से बादल उठ रहे हैं। देखिए देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, कितना प्यारा और सुंदर सा दृश्य है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई है, इसलिए जो है मौसम और सुहावना है। थोड़ा सा ठंडक भी है, लेकिन जो है वो ठंडक हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं हैं थोड़ा थोड़ा स्वेटर पहनते हैं कभी कभी, जो कि अभी जो कि कुछ लोग पहने हुए हैं। देख लीजिए